इस कहानी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां इंसान और मॉन्स्टर्स जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, विचेस और ऐसे ही अन्य जीव एक साथ रहते हैं। कहने को तो वो एक साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान इन मॉन्स्टर्स से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। इस कारण इन मॉन्स्टर्स को आउटकास्ट कहा जाता है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां इस कहानी की अहम किरदार वेंसडे एजुकेशन सिस्टम को कोसते हुए आगे बढ़ रही होती है। वेंसडे एक बुद्धिमान लेकिन पत्थर दिल और इमोशनलेस लड़की है। उसके सनकी बर्ताव और अजीब से होलिये की वजह से सब उसे एक फ्रीक समझते हैं। वेंसडे को लॉकर से उसके छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बदमाश लड़कों ने उसके छोटे भाई को लॉकर में बंद कर दिया था। हालांकि उसके भाई को ये पता नहीं था कि वे लड़के कौन थे। भाई को छुड़ाने जैसे ही वेंसडे उसे छूती है, उसे अचानक विजन्स आते हैं। उसे दिखता है कि कुछ लड़के उसके भाई को जबरदस्ती लॉकर में बंद कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से उसे किसी भी चीज को छूते ही विजन्स आने लगे हैं। इन विजन्स में उसे उस चीज का भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता था। हालांकि उसने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं थी। वो गुस्से में उन लड़कों की खबर लेने स्विमिंग पूल जाती है जहां वे लड़के तैर रहे थे। लड़के उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वेंसडे उनके साथ एक दर्दनाक मजाक करने वाली है। वेंसडे खून की प्यासी पिराना मछलियों को पूल में छोड़ देती है। वो मछलियाँ उन लड़कों का पिछवाड़ा चबा जाती हैं। ये दर्दनाक नजारा देखकर वेंसडे के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान उभर आती है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद वेंसडे के माता पिता उसका दाखिला नेवोमोर एकेडमी में करवाते हैं। नेवोमोर नाम का ये स्कूल बाकी स्कूलों से काफी अलग है, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ आउटकास्ट बच्चे ही पढ़ाई करने आते थे। वेंसडे के माता पिता ने भी इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि वेंसडे उनके इस फैसले से नाराज है। उसे लगता है कि ये स्कूल भी बाकी स्कूलों की तरह ही बेकार होगा। उसी वक्त नेवरमोर एकेडमी से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी टैक्सी से उतरता है। टैक्सी की ड्राइवर उसे आउटकास्ट के बारे में सजग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी ड्राइवर से कहता है कि वो इससे पहले एक आउटकास्ट के साथ रह चुका है। इस वजह से उसे आउटकास्ट लोगों से डर नहीं लगता। इतना कहकर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो रास्ता नेवरमोर एकेडमी के पास ही के जंगल से गुजरता था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह वो आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक अनजान जीव उस पर अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी ओर वेंसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर स्कूल के प्रिंसिपल के कैबिन में बैठी होती है। प्रिंसिपल वेंसडे को बताती है कि स्कूल के दिनों में वो और वेंसडे की माँ रूममेट्स थे, जिस पर वेंसडे व्यंग कसते हुए कहती है कि उसकी माँ के साथ रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल का दिमागी संतुलन अब तक सही सलामत कैसे है। खुशकिस्मती से प्रिंसिपल उसके व्यंग को नजरअंदाज कर देती है। पिराना वाली घटना के बाद कोर्ट ने वेंसडे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसे किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज कराने का आदेश दिया था। प्रिंसिपल बताती है कि नेवोमोर एकेडमी से लगे शहर जेरिको में डॉक्टर वेलेरी नाम की साइकेट्रिस्ट है। वेंसडे को वहां हफ्ते में 2 दिन थेरेपी सेशन के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। वहां प्रिंसिपल वेंसडे का परिचय उसकी रूममेट इनिट से करवाती है। इनिट का नेचर वेंसडे से ठीक विपरीत होता है। वो एक खुशमिजाज स्वभाव की प्यारी लड़की है। उसने अपना कमरा विविध रंगों से सजाया होता है, लेकिन वेंसडे को रंगों से चिढ़ होती है। इस वजह से जब वो अपना रंगीन कमरा देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। स्कूल ने वेंसडे की पसंद ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म तैयार की होती है। इसके बाद इनिट उसे स्कूल घुमाने ले जाती है। इनिट वेंसडे को स्कूल में पढ़ रहे आउटकास्ट स्टूडेंट्स के बारे में बताती है। वो बताती है कि स्कूल में ज्यादातर विद्यार्थी 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहले हैं वैम्पायर्स, दूसरे हैं वेयरवुल्व्स। इनिट बताती है वो खुद भी एक वेयरवुल्व है। इसके बाद आते हैं सायरन, जिनके पास अपनी आवाज से दूसरों को वश में करने की शक्ति होती है। और आखिर में आते हैं गॉर्गून्स, जिनके पास किसी को भी पत्थर में बदलने की शक्ति होती है। स्कूल में दूसरे आउटकास्ट स्टूडेंट भी हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं 4 आउटकास्ट से आते हैं। कुछ देर बाद वेंसडे के माता पिता उससे विदा लेते हैं। जाने से पहले वेंसडे की माँ वेंसडे से कहती है कि वो गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, जिस पर वेंसडे बदतमीजी से कहती है वो वहाँ से जरूर भागेगी और शायद ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। जाने से पहले वेंसडे के माता पिता वेंसडे पर नजर रखने के लिए एक हाथ को छोड़ जाते हैं, जिसका नाम होता है थिंग। थिंग वेंसडे के फैमिली मेंबर की तरह ही है। दूसरी ओर जंगल में पुलिस को उस आदमी की लाश मिलती है जो कुछ वक्त पहले टैक्सी से उतरा था। उसके शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, साथ ही कुछ हिस्से गायब होते हैं। इससे पहले भी शहर में इसी तरह से 2 हत्याएं हो चुकी हैं और शेरिफ को पूरा यकीन था
कि इन हत्याओं के पीछे नेवरमोर एकेडमी के ही किसी आउटकास्ट का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो चुप बैठा था। दूसरी ओर एक दूसरे से विपरीत स्वभाव की वजह से वेंसडे और इनिट लड़ रही होती हैं। तभी बॉटनी टीचर यानी फूल पौधों के बारे में पढ़ाने वाली टीचर वेंसडे से मिलने आती है। वो नेवरमोर में पढ़ाने वाली इकलौती इंसान थी। वो उन दोनों का झगड़ा सुलझाती है और वेंसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वेंसडे तलवारबाजी का अभ्यास करने जाती है। वहाँ बियांका नाम की लड़की पहले से अभ्यास कर रही थी। बियांका एक साइरन है। साइरन वो आउटकास्ट होते हैं जो अपनी आवाज से दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। बियांका स्कूल की सबसे पॉपुलर हस्ती है। वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज में भी काफी होशियार है। बियांका तलवारबाजी में रोवन नाम के लड़के को हराती है और घमंड से टीचर को पूछती है कि क्या यहाँ कोई ऐसा तलवारबाज नहीं है जो उसे हरा पाएगा। ये सुनते ही वेंसडे उसे चैलेंज करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू होती है। वेंसडे काफी फुर्ती से पहला पॉइंट अपने नाम करती है, तो वहीं दूसरा पॉइंट बियांका अपने नाम करती है। साथ ही वो वेंसडे को ये कहकर उकसाती है कि उसे मिला हुआ पॉइंट तो बिगिनर लक था। ये सुनते ही गुस्से से पागल हो चुकी वेंसडे उसे आखिरी राउंड बिना हेलमेट के लड़ने के लिए चैलेंज करती है। इस राउंड में जो अपने प्रतिस्पर्धी का खून सबसे पहले निकालेगा वही विजेता घोषित होगा। दोनों में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन अंत में बियांका वेंसडे को माथे पर एक घाव देकर जीत जाती है। इस हार से वेंसडे बौखला जाती है। जब वो अपने घाव पर मरहम पट्टी कर वहाँ से जा रही होती है, तभी छत पर लगी पत्थर की मूर्ति उस पर गिरने लगती है। एन वक्त पर ग्जेवियर नाम का लड़का उसे बचा लेता है। होश में आने पर वो ग्जेवियर को अपने पास बैठा देखती है। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय वेंसडे उससे कहती है कि वो खुद को बचाने में सक्षम थी। थिंग हर पल वेंसडे पर अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन जब वेंसडे अपने कमरे में नोवेल लिख रही होती है तभी उसे थिंग के वहाँ होने का आभास होता है। वो उसे पकड़ती है और उसे उसकी उंगलियां काटने की धमकी देती है। फिर वो थिंग से कहती है कि अगर वो अपनी उंगलियां बचाना चाहता है तो उसे वेंसडे के लिए काम करना पड़ेगा। डर के मारे थिंग मान जाता है। वेंसडे स्कूल से भागने का प्लान बना रही होती है और वो इसमें थिंग को भी शामिल कर लेती है। अगले दिन वो प्रिंसिपल के साथ थेरेपी सेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। हालांकि वो साइकेट्रिस्ट के भरसक कोशिश करने के बावजूद भी उसके साथ कुछ शेयर नहीं करती। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बड़ी चलाकी से बाथरूम के रास्ते वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वहाँ से भागते वक्त वो एक फल बेचने वाले आदमी से टकरा जाती है। टकराते ही उसे उस आदमी की भविष्य में होने वाली मौत का विजन दिखाई देता है। जाते जाते वो एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने रुकती है। वहाँ उसकी मुलाकात शेरिफ के बेटे टाइलर से होती है जो उस कॉफी शॉप में काम करता था। वेंसडे कॉफी की मांग करती है, लेकिन कॉफी मशीन में कुछ गड़बड़ी आई थी और मशीन को ठीक कराने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की किताब इटालियन में थी जो टाइलर को पढ़नी नहीं आती थी। तब वेंसडे जिसे इटालियन पढ़ना आता था वो मशीन ठीक करने में उसकी मदद करती है। बदले में वो उसे बस स्टैंड तक लिफ्ट देने के लिए कहती है। टाइलर को काम होने की वजह से वो उसे वहाँ थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। तभी कुछ नॉर्मल इंसानी लड़के वहाँ आते हैं और वेंसडे की नेवरमोर की यूनिफॉर्म देखकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल शहर में ज्यादातर लोग आउटकास्ट से नफरत करते थे और आउटकास्ट का शहर में आना उन्हें पसंद न था। हालांकि वेंसडे उन लड़कों की पिटाई कर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। तभी शेरिफ और प्रिंसिपल वहाँ आते हैं। शेरिफ वेंसडे का नेम एडम्स है, ये जानते ही उसे कहता है कि उसके पिता को मर्डर के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के दम पे खुला घूम रहा है। शेरिफ वेंसडे को चेतावनी देता है कि वो हमेशा उस पर नजर रखेगा। फिर प्रिंसिपल वेंसडे को लेकर वापस स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है जिसका ड्राइवर मर चुका था। ये वही फल बेचने वाला आदमी था जो कुछ देर पहले वेंसडे से टकराया था। बहरहाल वेंसडे का भागने का प्लान फेल हो चुका था। रात में वेंसडे अपना मूड ठीक करने के लिए वायलिन बजाती है। सब उसके इस टैलेंट का आनंद लेते हैं, लेकिन खुद वेंसडे के मूड में कुछ खास सुधार नहीं होता। तभी इनिड वहाँ आती है। आज फुल मून नाइट होती है, इस वजह से सभी वेयरवुल्फ चांद को देखकर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इनिड को नॉर्मल रूप में देखकर वेंसडे उससे पूछती है कि वो अपने वेयरवुल्फ रूप में क्यों नहीं है। इनिड उसे बताती है कि वो अभी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बनी नहीं है। वैसे तो उसकी माँ ने उससे कहा है कि वो देर सवेर वेयरवुल्फ बन ही जाएगी, लेकिन उसे चिंता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे उसकी बिरादरी से निकाल दिया जाएगा और उसे पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद थिंग टाइलर के घर पर जाता है और उसे वेंसडे के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहता है। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी भागने में उसकी मदद करना चाहता है। बदले में वेंसडे उसे इनाम भी देने की पेशकश करती है। टाइलर कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था
और वेंसडे उस फेस्टिवल से भागने का प्लान बनाती है। अगले दिन वेंसडे इनिट के साथ फेस्टिवल में पहुंचती है। मौका मिलते ही प्रिंसिपल का ध्यान भटकाकर वो टाइलर के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। जाते जाते वो रोवन नाम के लड़के से टकराती है। रोवन वही लड़का है जिसे बियांका ने उस दिन तलवारबाजी में हराया था। उससे टकराते ही वेंसडे को रोवन की मौत का विजन दिखाई देता है। रोवन काफी जल्दबाजी में जंगल की ओर भाग रहा था। वेंसडे उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है। ग्जेवियर भी वेंसडे को जंगल में जाते हुए देख लेता है। ग्जेवियर वही लड़का है जिसने उस दिन वेंसडे को उस पर गिरती पत्थर की मूर्ति से बचाया था। जंगल में वेंसडे रोवन को रोकती है और कहती है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन तभी रोवन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है और वो उल्टा वेंसडे पर हमला कर देता है। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता। तब रोवन वेंसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेंसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे नेवरमोर जलकर तबाह हो रहा था। रोवन वेंसडे को बताता है कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी और उन्होंने 24 साल पहले ये ड्राइंग बनाई थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार वेंसडे नेवरमोर को तबाह कर देगी, इसीलिए वेंसडे को मारकर रोवन नेवरमोर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि रोवन वेंसडे को मार डालता, अचानक से एक राक्षस वहां आता है और रोवन को मौत के घाट उतारकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में उस जंगल में चारों ओर पुलिस छानबीन करते हुए नजर आती है। वेंसडे ने उन्हें घटी घटना के बारे में बता दिया था, लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्हें वहां घटी घटना का कोई निशान नहीं मिलता, यहां तक कि रोवन की लाश तक नहीं मिलती। शेरिफ वेंसडे से कहता है कि उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन वेंसडे को उसने जो कुछ देखा उस पर पूरा यकीन था। वेंसडे शेरिफ से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन प्रिंसिपल को इस बात से एतराज होता है। वो इसकी इजाजत नहीं देती, पर शेरिफ के फोर्स करने पर वो उन दोनों को 5 मिनट का समय देती है। अकेले में वेंसडे शेरिफ को बताती है कि जंगल में कोई राक्षस है और उसी ने रोवन और बाकी लोगों को मारा है, और कोई है जो इन हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे से रोवन अंदर आता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। वेंसडे को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वेंसडे इनिट से जाकर मिलती है और उससे रोवन के बारे में पूछती है। इनिट कहती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि रोवन एक अजीब लड़का था जिसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके बारे में जानकारी उसका रूममेट ग्जेवियर ही दे सकता है। रात में वेंसडे अपनी नोवेल पर काम कर रही होती है, तब उसकी नजर रोवन की पेंटिंग पर पड़ती है। वहां उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। अगले दिन वेंसडे प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है और रोवन से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है और बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज ही ये स्कूल छोड़कर जा रहा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है। वेंसडे जानती थी कि प्रिंसिपल हर वक्त उस पर नजर गड़ाए हुए है। मजबूरन उसे अलग अलग क्लब्स देखने जाना पड़ता है। पहले वो सिंगिंग क्लब जाती है जिसे बियांका चला रही थी, लेकिन वहां बात नहीं बनती। इसके बाद वो आर्चरी क्लब में जाती है जिसकी कमान ग्जेवियर के हाथों में होती है। ग्जेवियर वेंसडे को तीर चलाने का तरीका बताता है। वेंसडे उसे बातों ही बातों में रोवन के बारे में पूछती है। ग्जेवियर उसे बताता है कि वैसे तो रोवन शुरू से थोड़ा अजीब था, लेकिन हाल ही में उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। इसके बाद ग्जेवियर वेंसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए कहता है। वजह वो ये बताता है कि टाइलर और उसके इंसान दोस्त आउटकास्ट से नफरत करते हैं। वेंसडे उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक सेब हवा में उछालती है और तीर से सेब को काटते हुए सीधे निशाने पे दे मारती है। ये देखकर ग्जेवियर की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वो हमर्स क्लब पहुंचती है जहां मधुमक्खियों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सिर्फ एक ही लड़का वहां दिखाई देता है। उस लड़के का नाम यूजीन था और वो अकेला ही उस क्लब को चला रहा था क्योंकि उसके अलावा वहां और कोई नहीं आता था। यूजीन और वेंसडे में बातें चल रही होती हैं कि तभी थिंग वहां आता है और इशारे से कहीं चलने के लिए कहता है। जब वेंसडे उसके पीछे जाती है तो उसे रोवन दिखाई देता है। रोवन अपना सामान लेकर वहां से जा रहा था। हैरानी की बात तो ये होती है कि वो उस रात के मुकाबले इस बार वेंसडे से काफी शांति से बात कर रहा था। वेंसडे थिंग को उसका पीछा करने के लिए कहती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद रोवन टॉयलेट जाता है, लेकिन टॉयलेट से बाहर रोवन की जगह कोई और ही इंसान निकलता है। थिंग को समझ ही नहीं आता कि रोवन अचानक वहां से भाग कैसे गया। कुछ देर बाद वो इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। थिंग जाकर वेंसडे को बताता है कि रोवन टॉयलेट से कहीं भाग गया, जिस पर वेंसडे उसे काफी डांटती है। बॉटनी की क्लास में ग्जेवियर वेंसडे को उसके साथ बैठने के लिए कहता है। ग्जेवियर के पास किसी भी चित्र को जिंदा कर पाने की शक्ति थी। वो वेंसडे को अपनी शक्ति से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। दूसरी ओर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ जंगल में छानबीन के लिए जा रहा होता है। टाइलर उसे जंगल के राक्षस के बारे में पूछता है।
पर शेरिफ उसकी बातों का जवाब नहीं देता और टाइलर को उसकी साइकेट्रिस्ट से चल रही थेरेपी के बारे में पूछता है। दरअसल टाइलर की माँ की मौत के बाद टाइलर सदमे में चला गया था और सदमे से उभरने के लिए वो भी साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ले रहा था। टाइलर भी अपने पिता को कुछ भी बताने से इनकार करता है, ये कहकर कि साइकेट्रिस्ट और पेशेंट के बीच हुई बातें गुप्त होती हैं। गुस्से में शेरिफ वहां से चला जाता है। उधर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए वेंसडे हमर्स क्लब में अपनी जगह इनिड को भेजती है और रोबन वाली घटना का सुराग ढूंढने जंगल जाती है। लेकिन जब वो जंगल में छानबीन कर रही होती है तभी कोई उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो टाइलर था। टाइलर उसे बताता है कि उसने उसे अपने पिता शेरिफ की नजरों से बचाने के लिए खींचा था। शेरिफ वहां अपने कुत्ते के साथ छानबीन कर रहा होता है। टाइलर वेंसडे को बताता है कि वो छुपकर अपने पिता पर नजर रख रहा है। उसे शेरिफ की फिक्र है कि कहीं वो राक्षस शेरिफ पर भी हमला न कर दे। शेरिफ के जाने के बाद दोनों उस जगह की छानबीन करते हैं। वेंसडे को वहां रोवन का चश्मा मिलता है। उसे छूते ही वेंसडे को विजन नजर आते हैं। वो देखती है कि रोवन और ग्जेवियर के बीच में झगड़ा हो रहा है। साथ ही उसे रोवन एक नीले रंग की किताब से वो ड्राइंग फाड़ते हुए दिखता है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। हालांकि वो चित्र अधूरा था और आधा चित्र उस नीले रंग की किताब में ही चिपका हुआ था। जंगल से लौटते ही वेंसडे उस किताब को ढूंढने में जुट जाती है। उसी वक्त बॉटनी टीचर वहां आती है। वेंसडे उसे उस सिंबल के बारे में पूछती है जो उसे उस ड्राइंग पर दिखा था। टीचर उसे बताती है कि ये सिंबल एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी नाइटशेड्स का है जो सालों पहले बंद हो गई थी। इसके बाद टीचर वेंसडे ने क्लास में दिए हुए जवाबों की तारीफ करती है। बॉटनी टीचर वेंसडे की पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित मालूम पड़ रही थी। वो जाने से पहले उससे कहती है कि अगर कभी किसी से बात करने का मन करे तो वो कभी भी उसके पास आ सकती है। इसके बाद वेंसडे उस नीली किताब की तलाश जारी रखती है। वो रोवन के पुराने कमरे यानी ग्जेवियर के कमरे में उस किताब को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी ग्जेवियर कमरे में आता है। ऐन वक्त पर वेंसडे और थिंग छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में बियांका भी उसी कमरे में आती है। बियांका और ग्जेवियर पहले कपल हुआ करते थे, लेकिन एक बार बियांका ने अपनी सायरन शक्तियों का इस्तेमाल ग्जेवियर पर किया था और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था। लेकिन बियांका अभी भी ग्जेवियर को चाहती थी। इसी कारण ग्जेवियर की वेंसडे में बढ़ती दिलचस्पी उसे खल रही थी। वो ग्जेवियर को वेंसडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी बातों का ग्जेवियर पर कुछ खास असर नहीं होता। वेंसडे भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। बियांका उसे बताती है कि अगले दिन होने वाले एडगर एलन पोए कंपटीशन में वो वेंसडे की रूममेट इनिड को हराकर वेंसडे को नीचा दिखाने वाली है। जब वेंसडे अपने कमरे में पहुंचती है तब इनिड कमरे में रो रही होती है। इनिड बताती है कि उसकी टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो कंपटीशन से बाहर हो गई है। वेंसडे समझ जाती है कि ये सब बियांका का किया धरा है। वो बियांका को अच्छा सबक सिखाने का ठानती है। वो उस लड़की की जगह खुद को टीम में शामिल करने के लिए कहती है। अगले दिन एडगर एलन पो कंपटीशन था। ये कंपटीशन स्कूल के सबसे मशहूर विद्यार्थी एडगर एलन पो की याद में हर साल आयोजित किया जाता था। इस कंपटीशन में पहले नाव से तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जाना होता है। उसके बाद जंगल के अंदर जाकर अपनी अपनी टीम का फ्लैग लेकर वापस लौटना होता है। मजे की बात ये है कि इस प्रतियोगिता में कोई रूल्स नहीं है। बियांका चीटिंग कर पिछले 2 सालों से इस कप को अपने नाम कर चुकी है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। हमेशा की तरह इस बार भी बियांका ने जीतने का पूरा इंतजाम किया था। साइरन्स के पास पानी में जलपरी या जलपरा बनने की शक्ति होती है। बियांका का एक साइरन साथी वैम्पायर्स की नाव को पानी में डुबोता है। इसके बाद बारी वेंसडे की नाव की होती है, लेकिन वेंसडे पहले से ही तैयारी करके आई थी। वो थिंग को उस साइरन पर जाल फेंकने के लिए कहती है। बियांका का साथी जाल में फंसने की वजह से कुछ कर नहीं पाता और वेंसडे की नाव सही सलामत नदी पार कर लेती है। तट पर पहुंचने के बाद वेंसडे बाकी साथियों को नाव की रक्षा करने के लिए कहती है और खुद फ्लैग ढूंढने जंगल में जाती है। यहाँ तट पर इनिड थिंक की मदद से लड़कों का ध्यान भटकाती है और उन लड़कों के नाव से दूर जाते ही उनकी नाव में छेद करती है। दूसरी ओर वेंसडे फ्लैग तक पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ की दीवार को छूती है उसे विजन दिखाई देते हैं जिसमें वेंसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की एकाएक उसके सामने आती है और उससे कहती है कि असली चाबी तुम हो। अगले ही पल वेंसडे होश में आती है। वो तुरंत अपना फ्लैग उठाती है और नाव की तरफ भागती है। सभी टीम आगे निकल चुकी थी, लेकिन क्योंकि इनिड ने लड़कों की टीम की नाव में छेद कर दिया था वे आगे नहीं बढ़ पाते। अब सिर्फ बियांका और वेंसडे की टीम ही बची हुई थी। वेंसडे अपनी नाव पर लगे भाले लोड करती है और सभी बियांका की नाव में छेद करने उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी बियांका का साथी पानी के अंदर से इनकी नाव को दूसरी ओर ले जाने लगता है। ऐन वक्त पर थिंग उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद फिर से वेंसडे की टीम बियांका की नाव की तरफ बढ़ती है और उनकी नाव में छेद कर उन्हें प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाती है।
आखिरकार वेंसडे की टीम ये प्रतियोगिता जीत जाती है। इसके बाद होता है सेलिब्रेशन, लेकिन वेंसडे को ये सब पसंद नहीं आता और वो सबसे अलग जाकर एक पुतले के नीचे बैठ जाती है। वो पुतला एडगर एलन पो का था। तभी उसकी नजर पुतले ने पकड़ रखी किताब पर पड़ती है। वहाँ उसे वही सिंबल दिखाई देता है जो उस ड्राइंग पर था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती वहाँ इनिड आती है और उसे फिर से सेलिब्रेशन में लेकर जाती है। रात होते ही वो फिर से एडगर एलन पो के पुतले के पास जाती है। एडगर एलन पो अपनी पहेलियों के लिए काफी मशहूर थे। वेंसडे पुतले के ऊपर चढ़ती है और पुतले के हाथ में जो किताब होती है उसे देखती है। उसमें एक पहेली लिखी होती है। बुद्धिमान वेंसडे बड़ी आसानी से उस पहेली को सुलझा लेती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे दो बार चुटकी बजानी है। ऐसा करते ही एक जोर की आवाज के साथ वो पुतला पीछे सरकता है और एक गुप्त द्वार खुलता है। उसके अंदर जाने के बाद वेंसडे को वो नीली किताब भी मिलती है जिसमें रोवन की माँ द्वारा बनाई ड्राइंग थी। वो उस किताब को देख ही रही होती है तभी अचानक कोई उस पर काला कपड़ा डाल देता है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना ना